पलवल विधानसभा सीट ने रचा इतिहास, पहली बार चुनाव लड़ रहे गौरव। गौतम ने इतिहास रच दिया है। कांग्रेस के धुरंधर नेता और पूर्व मंत्री करण दलाल को हरा दिया है। जीत में आम जनता का बड़ा योगदान रहा और खासकर गुजर बेल्ट बैसलात का, जिन्होंने एकतरफा गौरव गौतम को बहुमत दिया, जिसकी वजह से आज ये ऐतिहासिक जीत हुई। अपना फुल मैंडेट पूरा समर्थन गौरव गौतम को दिया था, जिसकी वजह से आज उन्होंने बाहुबली नेता करण दलाल को हरा दिया। पलवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव गौतम ने 34,160 वोटों से की जीत दर्ज। हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मैं राजेश बैसला पलवल से, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक जी का चुनाव लड़ रहे गौरव गौतम की विजय हुई है। देखो जो रुझान आ रहे थे, ये रुझान छत्तीसगढ़ में भी आए थे, लेकिन हमको अटूट विश्वास था कि हम पलवल से तो जीतेंगे लेकिन हरियाणा में भी जीतेंगे, और वो ही हुआ। 9 बजे तक कुछ था और 11 बजे कुछ हो गया। ये आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट दिए, रुझान जो आए वो हमारे पत्रकार साथियों के कहीं भ्रम में थे और वो उनका भ्रम दूर हो गया है। मैं यूं नहीं कहता कि वो पत्रकार साथी हमारे कुछ गलत कर रहे थे, उनका अपना रुझान था, या तो उनके उसमें कोई कमी रह गई या कोई और बात रह गई। हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी आश्वस्त थे, उन्होंने पहले ही टीवी पे बोल दिया था, आप इंतजार करिए, हमारी बहुत बड़ी जीत होगी और ये सत्य सनातन संस्कृति को रक्षित और सुरक्षित करने की जीत है, और दशहरे से पहले ही लंका के रावण में आग लगाने की जीत है, और यहाँ सत्य और सनातन को रक्षित सुरक्षित करने का हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने बीड़ा उठाया था, और आज हर जाति का कार्यकर्ता, छत्तीस बिरादरी का, चाहे राजपूत समाज है, गुर्जर समाज है, दलित समाज है, प्रजापत समाज है, चाहे ब्राह्मण समाज है, सब ने मिलकर इस चुनाव को जिताया है, और ये 2047 तक इसी तरीके से बरकरार रहेगा। मोदी जी कृष्णपाल गुर्जर जी और मनोहर लाल, ये सैनी जी नाथ सिंह सैनी जी के सानिध्य में इसी तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता जोश सब 34,107 वोटर्स जीते। भाई क्या बताएं भैया, देखो धर्म युद्ध था ये, और जनता ने सारी 36 राज्यों में लड़ा, कांग्रेस की झूठ की राजनीति और जातिवाद की राजनीति को फेल किया है, नकारा है। मोदी की गारंटी और कार्य विकास को, 36 राज्यों को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास, उसकी विजय हुई है, 36 राज्यों की विजय है। सभी समाज ने मिलकर के गौरव को, नायब सैनी जी को, मोदी जी को स्वीकार किया है, ये सारी जनता की जीत है। पलवल में अमन और शांति का माहौल बनेगा, भय का वातावरण समाप्त होगा, जो भय की राजनीति थी उसकी भीड़ के ये जो मंच जो दिया था ना, ये जो टीवी दिखा रहे थे चैनल पे, वो एक झूठ का वातावरण था, दिखावटी सौदा था। हमारी अंदर की वोट थी, भावना की वोटों से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताया है, और आगे विकास होंगे, सभी का साथ होगा, भय मुक्त वातावरण पलवल में एक साथ होगा। गौरव गौतम ने जो भाजपा उम्मीदवार के रूप में पलवल में जीत का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वो बहुत सब 2047 तक ही टूटेगा। मैं बताना चाहता हूँ, इससे मोदी जी के हाथ मजबूत हुए हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी ने कहा था सरकार हमारी आ रही है, नायब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, मोदी जी, अमित शाह जी, सबका जो अनुमान था वो पूरा हुआ। सारे क्षेत्र के लोगों को, जनता को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत मुबारकबाद। कहीं ना कहीं बीच में पार्टी की फूट की बात है, कोई फूट नहीं थी भैया, सारे वर्कर साथ थे, अब कोई एक आध कहीं घूम रहा होगा मेरे में तो उसे घूमने दो, कोई बात ना।
धक्का मिले ये हमारे जो पार्टी के सब साथियों की जीत है और जो सब भाइयों ने 36 बरादरी ने मिलकर एक साथ इलेक्शन लड़ा। जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बौखलाते नहीं है, वो साइलेंट रहते हैं और वोट की चोट से और एकदम मारते हैं और हरियाणा में पहली नंबर की ये जीत है और आगे भाई को कुछ बनाया जाएगा। चेयरमैन जी हमारे साथ शेर प्रधान भाई प्लीज भाई कृपा शांत हो जाइए। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो जो पलवल के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल ने मुझे 8 तारीख को जूतों से मारने की धमकी दी थी खुले मंच से, तो मैं भाई पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं भाई हमारे गौरव गौतम से ज्यादा मैं जनता का मैं आभारी हूँ। तो उन्होंने मेरे जूते मारने के जो पतला करण दलाल से लेकर उनको मैं उनको सभी का आदर से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद हिंद फोकस न्यूज के लिए। मैं राजेश बैसला की तरेंद्र पाल राणा जी महेंद्र बढ़ाना जी एक 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 जो उत्साहवर्धक प्रोग्राम बन रहा देखने लायक सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बड़ी जीत है और ये सनातन और हिंदुत्व की जीत है और गौरव भाई की जीत है। पहली बार किसी को बीजेपी का टिकट मिला है, पहली बार में इतने बड़े नेता को हरा देना शायद अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि जनता आपको इतना मतलब इतना अच्छी तरह से आपका साथ देगी? बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास था, एक युवा चेहरे को टिकट मिला था और पूरा पलवल विधानसभा क्षेत्र भाई गौरव गौतम के साथ था, तो ये हिंदुत्व की और गौरव गौतम की जीत है। उन्होंने कांग्रेस को प्राप्त किया है और हमारे साथ पार्षद हैं पलवल से, हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। पार्षद साहब क्या कहना चाहोगे गौरव गौतम की जीत पर? गौरव गौतम की जीत की सभी पलवल वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाइयों ने बहुत मेहनत करी, भाईचारे की 36 बरादरी की हमारी ये जीत है। आपने सोचा था कि इतनी बड़ी जीत होगी जी? हाँ हम तो पहले ही कहते थे 50,000 वोटों से जीतेंगे। बहुत बड़ी बात है कि एक दिग्गज नेता को तो नहीं पहली बार उनको टिकट मिला है और पहली बार टिकट मिलने के बावजूद इतनी बड़ी जीत से आगे आना और एक करण दलाल जैसे दिग्गज नेता को हराना, क्या आप लोगों ने एक्सेप्ट किया था कैसा होगा? नहीं बिल्कुल, हम तो उसी दिन से फील्ड में उसी दिन से मैदान में, हमें तो पता था हम 50,000 वोटों से जीतेंगे, कहते भी थे मंच से। और हमारे साथ भाई साहब का नाम राम कुमार जी क्या कहना चाहेंगे जीत को? मैं यही कहना चाहूंगा हमारे सारे क्षेत्रवासियों को जीत मुबारक हो और जीत यूथ की जीत है। अच्छा बहुत अच्छी जीत हुई है। जैसा कि हम आपको भारतीय जनता पार्टी के गौरव गौतम विजय हुए हैं और उसी के बीच लोग बहुत बड़ा उत्साह मना रहे हैं और लोगों का कहना है कि हमने पहले एक्सेप्ट किया था कि शायद गौरव गौतम जी ही जीतेंगे। पहली बार टिकट मिलने के बाद ये बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान करण दलाल जी कांग्रेस के 5 बार विधायक रह चुके हैं और उनको इतनी बड़ी मार्जिन से हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जय हिंद दोस्तों, हिंद फोकस न्यूज के लिए मैं बैसला पलवल से। और जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग, हिंद फोकस न्यूज के लिए राजेश बैसला की रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत।